गाइस, वेलकम टू द आशिमा शो। गाइस, जैसा कि हम सबको पता है कि इंडिया में इस टाइम लॉकडाउन है, यानी कि लोगों को घर से बाहर जाने की परमिशन नहीं है। वैसा ही सेम लॉकडाउन इस वक्त अमेरिका में भी है। जिस सिटी टल्सा में मैं रहती हूँ, वहाँ पर भी बिल्कुल सेम सिचुएशन है। घर से बाहर बिना मतलब के लोग नहीं निकल रहे हैं। मैं खुद आज 2 हफ्ते के बाद अपनी ग्रोसरीज लेने जा रही हूँ, तो आज मैं चाहती हूँ आप सबको दिखाना कि यहाँ पे लॉकडाउन के चलते कैसी सिचुएशन है, रोड्स पे कितने लोग हैं और शॉपिंग स्टोर्स पे, ग्रोसरी स्टोर्स पे लोग किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर रहे हैं, कैसे इस लॉकडाउन को फॉलो कर रहे हैं। तो गाइस, चलो आज की वीडियो में ये सब चीज़ें देखते हैं। आज वीकेंड है और वीकेंड पर नॉर्मल डेज में यहाँ ट्रैफिक रहता है, पर लॉकडाउन की वजह से ट्रैफिक काफ़ी कम है। जो लोग वीकेंड पर रनिंग या साइकिलिंग के लिए निकलते थे, वो अब नहीं है। लोग सिर्फ अपनी एसेंशियल नीड्स के लिए बाहर निकल रहे हैं, या फिर वो लोग हैं जो एसेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। तो हम पहुंच गए हैं कॉस्को। कॉस्को मैं आपको बता दूं कि यूएस के सबसे बड़े होलसेल रिटेल्स में से एक है, तो यहाँ पे बल्क में सामान मिल जाता है, तो यहाँ पे आना ज़्यादा बेहतर रहता है। तो आपको अब अंदर जाके दिखाऊंगी कि यहाँ पे क्या क्या प्रिकॉशंस फॉलो किए जा रहे हैं। तो चलो चलते हैं। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, दे आर टेकिंग सो मच केयर ऑफ देयर कस्टमर्स। कार्ट्स को ये लोग साफ कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं हम लोगों के लिए। सो स्वीट ऑफ देम। तो गाइस, जैसा कि हमको पता है कि इन्फेक्शन हाथों से फैलता है और इस कार्ट को पहले किसी और ने टच किया होगा, तो ज़रूरी है इसको डिसइंफेक्ट करना। तो ये एंट्रेंस पर डिसइंफेक्शन वाइप्स अवेलेबल होते हैं, उन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। एंट्रेंस पे एक और अच्छी चीज़ ये है कि जो जो चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक है, उन्हें इन्होंने यहीं पे मेंशन कर दिया है। तो अगर आप स्टोर पे इनमें से कुछ लेने आए हैं, तो आपको स्टोर में एंटर करने की जरूरत नहीं है। नाउ वी आर गुड टू गो। सोशल डिस्टेंसिंग के चलते इस स्टोर के अंदर रश ना हो, इसीलिए एक कार्ड के ऊपर सिर्फ 2 लोगों को एंटर करने के लिए अलाउ किया जा रहा है, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन रहेगी। तो चलो शॉपिंग को स्टार्ट करते हैं। संडे के दिन स्टोर में अच्छा खासा रश रहता है, पर कोरोना वायरस की वजह से यहाँ रश बहुत कम है। प्रिकॉशंस रखते हुए लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं सारी बेस खाली खाली सी है। और ये अच्छी बात भी है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यहाँ पर सब लोग ध्यान रखते हैं कि एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम जब वो शॉपिंग कर रहे हो, तो एटलीस्ट 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन रहे। और एक और चीज़, जितना भी स्टाफ यहाँ पे इस वक्त काम कर रहा है, दे आर ऑल वर्किंग हार्डर देन वी थिंक। पेंडेमिक की सिचुएशन में सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाती है, सभी चीज़ें टाइम पर शेल्फ पर कस्टमर के लिए अवेलेबल हो, ये उनके लिए चैलेंजिंग हो जाता है। मैंने अभी आउट ऑफ स्टॉक कुछ आइटम्स के बारे में इंक्वायर किया, तो स्टाफ ने बताया कि उनको नहीं पता कि वो कब आएंगे। उन्होंने बताया कि जब शिपमेंट आती है, तो उसी टाइम सारे सामान को शेल्फ पे लगा देते हैं, ताकि कस्टमर्स को ज़्यादा दिक्कत ना हो। और हाई डिमांड आइटम्स की बिल्कुल भी होर्डिंग नहीं हो रही है, विच इज़ गुड। यहाँ पर मैं ले रही हूँ मिल्क। अराउंड 2 वीक्स पहले लोगों ने यहाँ काफ़ी पैनिक बाइंग की थी। उस टाइम जब मैं आई थी, तो सिर्फ 1 कैन लेने पर लिमिट थी, और ऐसे ही लिमिट बाकी कुछ और आइटम्स पर भी थी, पर अब ये लिमिट हटा दी। इट्स गुड कि लोग अब पैनिक बाइंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे में सामान आउट ऑफ स्टॉक नहीं होगा और सबको उनकी नीड के हिसाब से ईजिली मिल जाएगा। मेरा ख़त्म हो गया था और मुझे ये ही बटर अच्छा लगता है, उसका एक रीज़न है। अगर आप इसके इंग्रेडिएंट देखोगे, इंग्रेडिएंट्स में इसके लिखा है कि इसके अंदर है क्रीम, मिल्क एंड सॉल्ट, बस। इसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, तो ये बटर मेरा फेवरेट है। अब आ गई है बिलिंग की बारी। तो यहाँ पर ये लेडी कस्टमर्स को काउंटर्स पर डायरेक्ट कर रही है, ताकि किसी एक काउंटर पर ज़्यादा रश ना हो। और नीचे फ्लोर पर येलो कलर में मार्किंग्स बनाई हुई हैं, जितने डिस्टेंस पर हमको खड़ा होना है। एक बढ़िया चीज़ जो यहाँ प्रैक्टिस हो रही है, वो है काउंटर के सामने लगा ये प्लास्टिक बैरियर। इसको बोलते हैं स्नीज गार्ड, और हर कस्टमर के जाने के बाद इस स्नीज गार्ड को डिसइंफेक्ट कर रहे हैं। देखिए कितना कुछ किया जा रहा है। गाइस, एक और खासियत है स्टोर की कि यहाँ पे बिलिंग
सेकंड्स में करते हैं ये, यकीन ना हो तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके देखना। अब चलते हैं एग्जिट की तरफ। यहाँ राइट साइड पर जो लेडी है उनके काउंटर पे भी वही स्नीज गार्ड लगे हुए हैं। दोस्तों इस स्टोर की एग्जिट पर बिल चेक होता है और ये वही कर रही हैं, पर अब सब कुछ हो रहा है 6 फीट की दूरी से। तो गाइस ये था यूएस के डिपार्टमेंटल स्टोर का सोशल डिस्टेंसिंग कॉल। बहुत सी चीजें मैं आपको दिखा पाई, बहुत सी चीजें मैं आपको नहीं दिखा पाई, जो मैं कोशिश करूंगी अपनी अगली वीडियोस में आपको जरूर दिखाऊं। और उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा होगा, कुछ नई चीज़ें आपको पता लगी होंगी कि यहाँ पे कैसे रूल्स को फॉलो किया जा रहा है। एक और चीज़ आपको बता दूँ कि यहाँ के सभी डिपार्टमेंट स्टोर CDC की सभी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।